अफगानिस्तान से पहले उसको हक है। कहा जाता है कि ये जो म्यूटेंट है कोरोना का, ये 15 साल से कम के बच्चों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन बच्चों को ज़्यादा हक नहीं है कि उनको कोरोना की वैक्सीन मिले बजाय इसके कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मिले? हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है तो इसको सबके लिए खोला जाए। आपको मलेरिया की वैक्सीन चाहिए हो, टीबी की चाहिए हो, पोलियो की चाहिए हो, टाइफाइड की चाहिए हो, आप केमिस्ट के पास जाइए लगवा लीजिए। ये वैक्सीन केमिस्ट के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? ये साधारण डॉक्टरों के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? आप सबको उपलब्ध कराइए, कोई खा कोई ना जाएगा वैक्सीन। वो वैक्सीन लोगों को लग जाएगी, लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, कोरोना से आप बच जाएंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। इसके ऊपर जो कंट्रोल किया गया है, जो रेगुलेशन किया गया है, इसके बारे में सरकार बता नहीं पा रही कि क्यों किया हुआ है। आपको याद हो टेस्टिंग के अंदर भी इसी तरीके से रेगुलेशन इन्होंने 3 महीने तक किया कि सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों में टेस्टिंग होगी, केंद्र सरकार ही टेस्टिंग किट खरीद सकती है, राज्य सरकार टेस्टिंग किट नहीं खरीद सकती, केंद्र सरकार बताएगी किस प्राइवेट अस्पताल के अंदर हो सकती है। उस कारण से देश के अंदर कोरोना बढ़ा था। आज टेस्टिंग जगह जगह हो रही है, आप टेस्ट करा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वैक्सीन अन्य किसी वैक्सीन की तरह साधारण तौर पे उपलब्ध होनी चाहिए और लोगों का हक है, उन्हें ये वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके ऊपर जो कंट्रोल है उसका कोई भी लॉजिकल रैशनल जो कारण है वो सरकार नहीं बढ़ा पाई। सरकार कहती है वी विल गिव इट टू दोज हु नीड, नॉट दोज हु वॉन्ट, बट हु विल डिसाइड हु नीड्स? भाई ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे ना कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। ये सरकार के अंदर बैठे बाबू या सरकार में बैठे नेता कोई ना डिसाइड कर सकते हैं कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। IMA कह रहा है कि सबको दीजिए, तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए, इसके अंदर हट नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी निगम पार्षद और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ऊपर अपने विरोध प्रदर्शन जताने के लिए आए हैं, क्योंकि आज जैसा पता है कि हम सब जानते हैं देश के अंदर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कई राज्यों के अंदर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये कोरोना महामारी इतनी तेजी से फिर से पसारने लगी है कि आज चिंता का विषय बन चुका है। आज केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके अनुसार 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं आज जो युवा हैं कि जो अपने घर से निकलते हैं काम धंधे की तलाश में अपने रोजी रोजगार के लिए, आज उनको भी जान, उनकी भी जान खतरे में है। एक तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं कि जिन्होंने आज गुहार लगाई है केंद्र सरकार से, गुजारिश की है कि आप हमारे को इजाज़त दीजिए कि हम तमाम आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें, लेकिन आज उनकी चिट्ठी का भी जवाब केंद्र सरकार ने देना मुनासिब नहीं समझा है। आज तमाम जितने भी जो लोग हैं आज बड़े चिंतित हैं इस बात को लेके। आज आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री केवल अपनी इमेज को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी इमेज आज बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने के लिए 60 से ज़्यादा मुल्कों में वैक्सीन को बेच रहे हैं। ये वैक्सीन बेचने के लिए नहीं बनाई गई थी, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत से बेचने के लिए वैक्सीन को, ये बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया था, इस वैक्सीन को इसलिए बनाया था ताकि देशवासियों की जान बचाई जा सके। आज करोड़ों लोग वंचित हैं वैक्सीनेशन से, उसके बावजूद आज मोदी जी पाकिस्तान और अमरीका जैसे देशों को, साथ में अन्य देशों को, जो ऐसे लोग देश हैं कि अभी जिनको बाद में भी वहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा सकता है उसके बाद भी आज अपने लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और वो वहाँ पर बिजनेस करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, मोदी जी को सोचना चाहिए अपने देशवासियों के लिए। करोड़ों लोग आस बधाएं कि उनको भी वैक्सीन लग जाए ताकि उनकी ज़िंदगी भी बच सके। धन्यवाद।